दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। जैसा हमने आपको एक दो दिन पहले वीडियो बना के बताया था कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, जिसका की डिमांड बहुत वाजिब है बच्चों का, और वो अपने सरकार से डिमांड कर रहे हैं बिहार में बीपीएससी टीआरए 3.0 में, तो उसको लेकर आज कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहा है पटना में और बड़ी अच्छी डिमांड है। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया जा रहा है, उसका रीजन भी धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बच्चों का डिमांड बिल्कुल वाजिब है एक तरह से देखिए तो। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है, ये आपको आज की अपडेट है थोड़ी देर पहले की, कि मतलब अगर मान लीजिए कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में मेरा मल्टीपल जगह सिलेक्शन होता है तो मैं एक ही जगह ज्वाइन करूंगा, तो मेरा एक ही रिजल्ट निकले ताकि बाकी जगह पर बच्चे जाए। एक और डिमांड जो बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें, वो ये है कि रिजल्ट से पहले आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए। उसका भी कारण मैं बताता हूं, उससे क्या होगी। अभी आप देखिएगा, हर मतलब दो दिन पे आपको खबर आएगी कि 10-15 टीचर को निकाल दिया गया है बिकॉज उनका फर्जी डॉक्यूमेंट था। तो वो डॉक्यूमेंट, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मान लीजिए बाद में, तो भी ऐसे भी कुछ लोग छट जाएंगे, तो वो भी डिमांड है यहां पर कि पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए। क्योंकि मान लीजिए आपको 500 बच्चे को लेना है और आपने वन कैंडिडेट वाला तो हो गया, दूसरा अगर आप डॉक्यूमेंट सबका रिजल्ट निकाल दीजिए और 500 में से 250 का ही, 450 का ही डॉक्यूमेंट सही था, तो 50 तो फिर से सीट बच गया ना। तो पहले ही आप कर लीजिए कि भैया इनका रिजल्ट हम नहीं निकालेंगे, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर गलत पकड़े गए तो इससे क्या होगी कि एक्यूरेसी बढ़ेगी। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं कैंडिडेट के साथ नोकझोंक हो रही है, लाठी चार्ज भी हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से दुखद है। और मैं छात्रों से भी अपील करूंगा कि जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं कि आप लोग अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, वो जरूरी है। कोशिश करें शांतिपूर्वक वार्तालाप करने की। बीपीएससी ऑफिस का घेराव हुआ है आज बेसिकली, और अभ्यर्थियों में पुलिसों में नोकझोंक हुई है, जिसको लगातार आप लोग न्यूज चैनल्स पर भी देख पा रहे होंगे, और उस पर लाठीचार्ज हुआ है। तो मतलब सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, लेकिन ये डिमांड बिल्कुल भी गलत नहीं है दोस्तों, कि हम एक वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो, और दूसरा चीज की कहीं ना कहीं ये कोशिश हो कि पहले से अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट का करा लेते हैं तो बच्चे को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि एक्यूरेसी, अगर हम कह रहे हैं कि हम 87,000 सीट भर रहे हैं, तो लगभग 87,000 सीट हम भर देंगे। हम कहने के लिए 87,000 निकालते हैं, बाद में पता चलता है कि 50,000-55,000 ही बच्चे या तो डॉक्यूमेंट में निकल गए, या वन कैंडिडेट वन वाले में निकल गए, या तो बाद में फर्जी में निकल गए। तो कहीं ना कहीं वो हो जाता है, वो प्रॉब्लम है। तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की डिमांड है, और ये डिमांड बिल्कुल जायज है, और उसके लिए बीपीएससी अभ्यर्थी ऑफिस जो पहुंचे हैं, अभ्यर्थी सभी लोग पहुंचे हैं, और सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की है ना। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर लगातार सबका ये चल रहा है। आगे इससे क्या इस पर रिजल्ट आता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो गया है, जो दुखद है। विद्यार्थी हैं, देश की जनता है, और रोजगार मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सुरक्षा का आप लोग जरूर ध्यान रखें। आपके लिए मैं आप सिंपल बात बताता हूं, आप अपने परिवार के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे पता है जॉब और रोजगार की, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आप अपना भी बहुत ख्याल रखें इन पूरे प्रोसेस में, और आगे जो भी कुछ होगा हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।